बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों वाला कोरमा, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है। तो इसकी रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज ना भूलिएगा। इससे आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये रेसिपी और लोगों तक भी बआसानी पहुंच सके। तो अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरमा बनाने के लिए हमने आधा किलो गोश्त लिया है और ये कोरमा मसाला है, इसकी रेसिपी हम आगे आपको बताएंगे। तो अब कोरमा मसाला बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक चम्मच धनिया लिया है और एक चम्मच जीरा है और एक बड़ा टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है। इसके दो टुकड़े इस तरह से कर लिए हैं और पांच से छह हमने छोटे इलायची ले लिए हैं। एक हमने जायफल और जवात्री के थोड़े थोड़े टुकड़े ले लिए हैं और छह हमने लौंग लिए हैं। 15 से 20 हमारी काली मिर्च है और तेज पत्ता लिया है एक, और 1.5 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पिसी हुई डालेंगे। और 1/2 चम्मच इसमें हमने नमक डाल दिया है। तो अब इन सारे मसालों को हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा कोरमा मसाला बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और इसका कलर देखिए कितना जबरदस्त आया है। अब ये पेस्ट तैयार करेंगे हम। 125 ग्राम हमने दही ले लिया है और 3 अदद प्याज को हमने फ्राई कर लिया था इस तरह से। तो इसमें हम 8 से 10 बादाम इस तरह से छील के डाल देंगे और ये 1 चम्मच हमने पिसा हुआ नारियल लिया है तो इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो एक पतीली में हमने ऑयल ले लिया है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। इसमें हमने एक तेज़पत्ता, 5 अदद काली मिर्च, 2 लौंग और 4 हमने इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा इसमें हमने डाल दिया है। तो इसको हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इसको हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें हमने गोश्त शामिल कर दिया है तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। तो इसका कलर चेंज हो चुका है तो इसमें हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 2 चम्मच हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है तो वो इसमें हमने डाल दिया है। तो इसको भी हम भूनेंगे 5 मिनट तक। तो देखिए इस तरह से हमने इसको भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। 1/2 चम्मच इसमें हल्दी डाल देंगे। अब इसको गोश्त गल जाने तक हम ढककर पकाएंगे। तो देखिए तकरीबन हमें 45 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है तो इसमें हम कोरमा मसाला डाल देंगे। ये डालकर भी इसको हम थोड़ी देर भून लेंगे। तो इसको 5 मिनट तक हम ढककर पकाएंगे ताकि हमारी खुशबू कोरमे में अच्छी सी हो जाए। और ये देखिए 5 मिनट के बाद इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद हम ये इसमें जो प्याज और बादाम दही का जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो डाल देंगे। तो ये देखिए इसको हमने डाल दिया है। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे। तो इसको हम तकरीबन हाई फ्लेम पर इसको 5 मिनट तक भुनेंगे जब तक कि हमारा ऑयल सही से ऊपर नहीं आता, जब तक इसको हम भून लेंगे ताकि सारे मसाले हमारे इसमें अच्छे से पक जाए। तो
तो ये देखिए इसका ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है और कितना जबरदस्त दानेदार हमारा कोरमा बनके रेडी हुआ है। देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इससे हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो अब इसमें हमने एक चम्मच केवड़ा वाटर डाल दिया है, इससे बहुत जबरदस्त खुशबू आती है। और इसको हम 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो ये देखें हमारा कोरमा बनके रेडी हो चुका है। तो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी ये कोरमा बनके रेडी हुआ है। तो अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो जाने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब हमें इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।